से वाकया है बहन चौधरी, तुम बदतमीजी कैसे कर रहे हो? तुम्हें भाई साहब बंदा मार दिया से जान से, तुम बदतमीजी की बात कर रहे हो? तुम छुड़वा रहे हो किसी से? भागा बहन चो बंदा मार के बताइए। अरे खड़े हैं जिधर उनका कैसे मत बंद करो बंदा मार गया यार पुलिस वाले ऊपर से पुलिस वाले आ गए जिधर उनका कैसे ये बहन चो। हां कोई नहीं चौकी लेके चलो इन्हें चौकी चलो चौकी चलो आप। अरे अरे चलो चौकी चलो आप चौकी चलो आप चौकी चलो। ये वीडियो अब तक आपने सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देख ली होगी और मैं सिर्फ इस वीडियो को दिखाना मेरा मकसद नहीं है बल्कि चंद बातें कायदीन सियासी रहनुमाओं की खिदमत में और चंद बातें अहले इल्म और उलमा जो उम्मत का असासा और सरमाया है उनकी खिदमत में अर्ज करनी है। इससे पहले मैं हजरत मुफ्ती साहब जिनके साथ ये वाकया पेश आया है थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताता हूँ। जिन हजरत मुफ्ती साहब मुफ्ती सदाकत अली साहब इनका नाम है जिनके साथ ये वाकया दर्दनाक खौफनाक वाकया पेश आया है सहारनपुर में, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इंतहाई नेक तबीयत शरीफुल मिजाज और शरीफुल तबा हैं। किसी से लड़ाई करना या किसी के साथ बदसलूकी करना और बदतमीजी करना इनके खमीर में ही नहीं है बल्कि अपने काम से काम रखने वाले, अगर एक जुमला में कहूँ कि फरिश्ता सिफत इंसान है और किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचाना इनके पहुँचाने का तसव्वुर और ख्याल भी इनके पास से नहीं गुजरता। इसलिए मैं ये मान ही नहीं सकता कि हजरत मुफ्ती साहब की इस वाकये में कोई गलती रही होगी, और अगर चलो ये मान लें कि इंसानी तकाजे के एतबार से गलती हो भी गई हो गाड़ी लग भी गई हो तो ये तो मैं कभी नहीं मान सकता मुफ्ती साहब से वाकफियत की बुनियाद पर कि हजरत ने मुफ्ती साहब ने अपनी गलती का इकरार ना किया हो। एक इंसान जिससे गलती हो गई और गलती का वो इकरार कर रहा है अपने आप को कसूरवार मान रहा है, फिर किसी को क्या मजाल पहुँचती है कि वो कानून को हाथ में लेकर किसी के साथ ये मामला करें। असल में ये वाकया सहारनपुर का है। मुफ्ती साहब ने एक शख्स से बात करते हुए पूरी बात बताई है कि मैं स्कूटी से एक कार के पीछे चल रहा था, कार वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए तो मैं इतनी जल्दी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी गाड़ी मेरी स्कूटी कार में जा करके लग गई, बस थोड़ी सी स्कूटी कार में टकराई और फिर इन शरपसंदों और बलवाइयों ने ये माहौल ख़राब कर दिया और हमारे मुल्क में एक और लिंचिंग होते होते रह गई। अल्लाह का हम इस पर शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचा और जान महफूज रही। ये तो है वाकये का खुलासा। ये जालिमों ने बलवाइयों ने आप वीडियो में भी देख सकते हैं किसी चीज का बिल्कुल लिहाज नहीं किया, लात घूंसों से चाबी से जो हाथ में आया उसके जरिए से मुफ्ती साहब को अजियत और तकलीफ पहुंचाई गई। ये तो पूरे वाकये की इत्तला और खबर है। बाकी एक बात मैं अपने अहले इल्म उलमा से कहूंगा कि आप उम्मत का असासा हैं, आप सरमाया हैं, आपकी जान की हिफाजत आपकी अपनी हिफाजत ये पूरी उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने आप की हिफाजत का जो भी तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं, जिस तरीक़े पर भी अपनी जान अपनी इज्जत और आबरू को बचा सकते हैं, खुदारा उस तरीक़े को ना जाने दीजिए, अपनी इज्जत की अपनी आबरू की हिफाजत कीजिए, आप उम्मत के लिए बहुत बड़ा असासा और सरमाया हैं। बताएं एक शरीफ ख़ानदान का शरीफ घर का आदमी और शरीफुल मिजाज कैसे वो ये बर्दाश्त करे और कैसे उसके घर वाले बर्दाश्त करें और इतने शरीफ इंसान के साथ ये बदसलूकी की जा रही है जबकि उन्होंने अपनी गलती भी मान ली
और सामने वाले बलवाई मुल्क दुश्मन, मुल्क की अदावत रखने वाले कानून को अपने हाथ में लेकर के किसी पर तशद्दुद और जुल्म करने पर उतर आए, इसकी किसने इजाजत दी? और खबीस और लईन हैं वो पुलिस वाले भी जो वहां खड़े होकर के वीडियो तो शूट कर रहे हैं लेकिन उस मामले की रफा दफा या सफाई में या खत्म करने में कोई रोल अदा नहीं कर रहे। ये हमारे मुल्क का इस वक्त हाल है। अल्लाह ही हिफाजत फरमाए हमारे हाल पर और हमारे मुल्क की अल्लाह ताला बार बार हिफाजत फरमाए। उलमा अपनी जान की हिफाजत खुद करें और ऐसी किसी जगह पर न जाएं या किसी ऐसे किरदार में शामिल न हों जो आपकी जान या इज्जत और आबरू की बर्बादी का जरिया बने। और एक बात सियासी कायदीन से भी कहूँगा, खुसूसन जो लोग वहाँ के हैं, कि आप इस मामले को हसासियत के साथ लें और इस पर कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है, ये बलवाई जो भी हैं, इनके खिलाफ कानूनी चारा जोई ज़रूर होनी चाहिए। इनको कैफर किरदार तक, मंजिल तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए, वरना याद रखें आज मुफ्ती साहब हैं कल आप भी हो सकते हैं। आज मुफ्ती साहब आलिम दीन शानदार इल्म नबुव्वत में महारत रखने वाले हैं, कल कोई और इनसे बड़ा भी हो सकता है, कल आप भी तने तनहा किसी के चुंगल में फंस सकते हैं। इसलिए इस सोच पर, इन नज़रियात पर और इस फिक्र पर, इस जहनीयत पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये जो ज़्यादती मुफ्ती साहब के साथ हुई उनको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है और ऐसे लाहिए अमल तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ जिसके बाद फिर ये लिंचिंग के, मॉब लिंचिंग के केसेस बिल्कुल ना पेश आए और किसी की इज्जत के साथ, किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क में अमन चैन सुकून शांति कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।